नमस्कार मनु दिल्ली रेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन राजस्थान से। फिर मैं आपको राजस्थान से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो पूरे बताऊंगी। इसमें आपके फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो राजा महाराजाओं के बारे में हो, चाहे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हो, चाहे महल हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी आपको राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक के अंदर कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इसमें सारे लेके आई हूँ इसमें आपके। तो पहला वीडियो है प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान में तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, राजनीतिक इकाई से पूछा जाता है, भौगोलिक इकाई से पूछा जाता है, या फिर भाषा के आधार पर कौन कौन से नामों से जाना गया है इसमें से आपके एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सारे नाम दे रखे हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे राजनीतिक इकाई के आधार पर, इनको एज इट इज आपको याद करना है। राजनीतिक इकाई में जांगल देश किसको कहा जाता है, बीकानेर और जोधपुर को कहा जाता है। कुरू किसे कहते हैं, उत्तरी अरवर का जो क्षेत्र है उसे कुरू कहते हैं। मत्स्य किसे कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी अलवर है उसे मत्स्य कहते हैं। सूरसेन किसे कहते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों को मिला के कौन सा कहते हैं राजनीतिक इकाई के रूप में, तो सूरसेन कहा जाता है। सीवी किसे कहते हैं, तो चित्तौड़ को सीवी कहा जाता है। उदयपुर और चित्तौड़ को मेदपाट भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहा जाता है और मेवाड़ भी कहा जाता है। ये तीनों नाम हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के, मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़। बांगड़, वागड़, व्याग्रवाट, ये तीनों किसके नाम हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको तीन नाम क्या हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, वागड़, बांगड़ और व्याग्रवाट। मरू या मारवाड़ किसके लिए शब्द प्रयोग होता है, जोधपुर के लिए। माड़ या वल, ये माड़ या वल ये जैसलमेर के लिए प्रयुक्त होता है, या माड़ आ जाएगा या वल एक एक नाम आ जाएगा, किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है। अबुर्द, अबुर्द किसका नाम है, सिरोही का। मालव किसे कहते हैं, झालावाड़ और प्रतापगढ़ को मालव कहा गया है। योधे किसे कहते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र है उसे राजनीतिक रूप से क्या कहा जाता है, योधे कहा जाता है। जांगल देश प्लस सांबर क्षेत्र, इन दोनों को मिला के जांगल देश और सांबर क्षेत्र को मिला के क्या कहा जाता है, सपादलक्ष कहा जाता है। जोधपुर और पाली को क्या कहा जाता है जोधपुर और पाली को, तो गुर्जरा या फिर गुर्जराता। इसमें एक एक जो लाइन है उसमें एक एक क्वेश्चन है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे। जांगल देश प्लस सांबर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपादलक्ष कहा जाता है। जोधपुर और पाली को क्या कहा जाता है, गुर्जर और गुर्जराता। बाड़मेर को क्या कहा जाता है, श्रीमाल कहा जाता है। कोटा और बूंदी को है कहा जाता है। जयपुर और टोंक को विराटनगर कहा जाता है। मालव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बागरछल। ये तो देखो आपके राजनीतिक इकाइयों के रूप में इसको क्या क्या नाम से जाना गया है। अब भौगोलिक इकाई के रूप में देखो, भौमट किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, इन तीनों जो भाग है, डूंगरपुर, सिरोही और जयपुर वाले भाग, उदयपुर वाले भाग को कहा जाता है भौमट। थली किसे कहते हैं, एज इट इज़ याद रखेंगे आप इसको, थली किसे कहते हैं। बीकानेर, चूरू व दक्षिणी गंगानगर वाले भाग को थली कहा जाता है। ग्रीवा किसे कहा जाता है, उदयपुर के क्षेत्र के आसपास वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उदयपुर क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। जालौर और पाली, जालौर और पाली को क्या कहा जाता है, गोंडवाड़ कहा जाता है। अजमेर और राजसमंद को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। मेवल, मेवल कौन से भाग को कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसे कहते हैं मेवल। कांठल किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ यानी माई नदी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। इस वीडियो को भी अगर आप एक दो बारी सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले पार्ट को क्या कहा जाता है। कोठी, धौलपुर को क्या कहते हैं, कोठी कहते हैं। ऊपरमाल, ऊपरमाल कौन सा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के मध्य वाला जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, ऊपरमाल कहा जाता है। खरोड़ व माल खरोड़ किसे कहते हैं, भीलवाड़ा, जहाजपुर, टोंक, इसको क्या कहा जाता है, खरोड़ व माल खरोड़। ढूंढाड़ किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। ये किसके आधार पे थे, ये भौगोलिक इकाई के आधार पे थे। राजस्थान का सांस्कृतिक परिचय हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक है, पूरा रिवीजन करेंगे हम राजस्थान को। इसी प्रकार से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी एक टॉपिक की, एक एक लाइन में किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसमें आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और ये एक महीने का काम है आपका, और जो आपका एक टॉपिक चल रहा है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई हूँ वो अलग है। ये है भाषा के आधार पे। अब हम क्या देख रहे हैं, भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे ज़्यादातर आपके नाम सुने हुए मिलेंगे। सीकर, झुंझुनू, चूरू को क्या कहते हैं, शेखावाटी। तो ये किसके आधार पे है, शेखावाटी हम किस आधार पे कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो भाषा के आधार पे क्या कहते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, शेखावाटी। हाड़ौती किसे कहते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को। मेवात, अलवर, भरतपुर। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा।
वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, ब्रज भरतपुर को, देवड़ा वाटी सिरोही को कहा जाता है, तोरा वाटी झुंझुनू, झुंझुनू के दक्षिण वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, तोरा वाटी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देवड़ा वाटी भी पूछा हुआ है, वागड़ पूछा हुआ है, मेवाड़ पूछा हुआ है, तो ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी हुई हैं, तो आपको ध्यान में रखना है तोरा वाटी कौन सा क्षेत्र है, झुंझुनू के दक्षिण वाला क्षेत्र। राजा वाटी जयपुर का पूर्व वाला भाग है, वो राजा वाटी कहलाता है। बाकी देखो और नाम भी मिलते हैं विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम। भटनेर, भटनेर किसे कहते हैं, हनुमानगढ़ को भटनेर भी कहा जाता है। अजय मेरू, अजमेर को भी अजमेर का नाम मिलता है। अहिछत्रपुर किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। रुणेचा, रामदेवरा, श्रीपंत, बयाना, भरतपुर को श्रीपंत भी कहते हैं। श्रीमाल किसे कहते हैं, भीलमाल को। रेड किसे कहते हैं, टोंक। गुप्त काल के 6 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, रेड टोंक से। गोपालपाल, गोपालपाल किसको, किसका नाम है, करौली का। जालौर को क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। सत्यपुर, सत्यपुर किसका नाम है, सांचौर का नाम है। ये तो कुछ नाम है राजस्थान के, कुछ ज़िले हैं उनके अलग अलग नाम, कौन से भागों में राजनीतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर और भाषा के आधार पर, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक नाम इस पर पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।